तो दोस्तों अभी देखिए अरवी ले लिए हैं, तीन पाव अरवी ले लिए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद आप सब एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी हम अपने घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर जिम गए थे। आप सभी को पता है हम जिम ज्वाइन किए हैं, तो अभी अपने सभी व्यायाम वगैरह सब कुछ करके घर वापस आ चुके हैं। और ये देखिए दोस्तों, आज एक नया गमछा है गले में, ये देखिए एकदम नया गमछा लिए हुए हैं, काफी मस्त है। और पता दोस्तों, ये देखिए, ये जो हमारा गमछा है ना, ये लगभग 4-5 साल पुराना है, तो ये काफी ज्यादा खराब हो गया था। अभी आप सभी को दिखाएंगे ये क्यों खराब है, एक मिनट अभी आप सभी को दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा नल, अभी एक सेकंड ये देखिएगा, अभी देखिएगा, अब देखिए इसका असली रूप। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको भिगा दिया है और इस पर ध्यान से देखिएगा ना, तो मक्खियों का पूरा देखिए घर ही है, पूरा एकदम मक्खियों का सिटी बन गया है। 5 साल पुराना है लगभग दोस्तों, हम जब 10 वर्ष में पढ़ते थे, 9-10 में, तब इसको खरीदे थे धूप से बचने के लिए, क्योंकि 8-9 किलोमीटर डेली जाते थे पढ़ने के लिए, तो धूप की वजह से थोड़ा तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ता था ना, तो इसीलिए दोस्तों ये वाला गमछा लिए थे। तो ये बहुत ज्यादा पुराना हो गया ना, तो ये खराब हो गया है, मतलब इस पर मतलब दिखाया ना आप लोगों ने, खराब हो गया है, तो इसीलिए ये वाला गमछा ले लिए हैं, यहाँ रख देते हैं इसको। और ये काफी मस्त है दोस्तों, एकदम मुलायम मुलायम काफी अच्छा लग रहा है। और दोस्तों ये देखिए, अदिति दौड़ी दौड़ी आ रही है। ए अदिति, अरे कहाँ जा रही है, आई कर दे, आई कर दे, नमस्ते कर दे, नमस्ते। देखिए दोस्तों, आप सभी को नमस्ते कर दे कितना प्यार से। और यहाँ पर सलोनी और सभी लोग घर के यहाँ पर हैं, और भाभी जी खाना बना रही हैं दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, इधर भाभी जी खाना बना रही हैं। और ये कुनरू है दोस्तों, हम लोग गांव देहात में इसे कुनरू बोलते हैं, और हिंदी में हमें नहीं पता क्या बोला जाता है, गांव देहात के भाषा में इसे कुनरू बोलते हैं। कुनरू की सब्जी बन रही है और हमें तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कुनरू की सब्जी। और ये देखिए चूल्हा भी एकदम मस्त जल रहा है, और चूल्हे का जो खाना होता है ना दोस्तों, गैस वाला उसके सामने फीका पड़ जाएगा, सच्ची बता रहे हैं आप सभी को। और ये रहा दाल, और भात भी बन गया है। और ये देखिए, ये कहा भाभी, ये तो कैसा दिख रहा है? अच्छा अच्छा, चावल का आटा है, हम सोचे कि दोस्तों गेहूं का आटा है, लेकिन ये थोड़ा उस सफेद दिख रहा था ना, तो तभी हमको शक हो गया था। तो आज दोस्तों चावल का रोटी बनने वाला है। ये कालाला है कृति, ये क्या कर रही है? अरे कृति, ये क्या कर रही है? ये देखिए दोस्तों, कृति कैसे सजी हुई है, अदिति अदिति है, ये अदिति है, ये देखिए कितना खुश है। अरे दोस्तों ये देखिए, अकीर्ति सलोनी और ऋषि सब एकदम कार्टून देखने में बिजी हैं, ये देखिए कैसे कार्टून देख रही हैं, ये लोग एकदम घुसी हुई हैं मोबाइल में। और दोस्तों ये देखिए, हम सोचे थे कि आज रोटी का चावल, मतलब चावल का रोटी बनेगा, तो ये देखिए दोस्तों फारा बन रहा है और काफी मस्त लगता है, स्वाद इसका रहता है। इधर देखिए भाभी जी इसमें रख रही है, दाल वगैरह का मिक्स है, और ये रहा ये चावल का, जो आप सभी को पहले ही दिखाए हैं, क्योंकि कुछ इस तरह से गांव देहात में हम लोगों का फारा बनता है, जो कि खाने में एकदम मजा आ जाता है। और दोस्तों अभी नहा धो लिए हैं, एकदम फ्रेश हो गए हैं, और ये देखिए खाना भी बनकर तैयार हो गया है, अभी खाना खाने जा रहे हैं। और आज खाने में है दाल भात कुंदरू की सब्जी, और ये देखिए दोस्तों, ये रहा फारा, जिसे खाकर तो एकदम अलग ही मजा मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी खाना पीना एकदम मस्त कर लेते हैं, ये एक बार खाते हैं और आप सभी को बताते हैं कैसा लग रहा है। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, एकदम मजा आ गया। तो दोस्तों अभी एकदम मस्त खाना पीना कर चुके हैं, और ये देखिए दोस्तों, अभी हम लोग अपनी दीदी के लिए खाना लेकर जा रहे हैं। दीदी हमारी गई दोस्तों धान की रोपाई करने के लिए, लगभग 2-3 किलोमीटर दूर, और धूप देखिए कितना भयानक हो गया है, सोचिए इतने तगड़े धूप में धान की रोपाई करना कितना कठिन होता है, एकदम भयानक धूप, बहुत तगड़ा धूप। अभी 10 बज रहा है, ऐसा नहीं कि 1-2 बज गया, देखिए 10 बजे, इतना भयानक धूप है। तो ठीक है दोस्तों, अभी चल रहे हैं, दीदी को ये खाना दे आते हैं। तो दोस्तों अभी खाना दे के सीधा घर आ चुके हैं, ये देखिए अभी घर पर पहुंच चुके हैं। और ये देखिए दोस्तों, अदिति के लिए ना राशन मिलता है, ये छोटी उम्र की है ना, तो इसके लिए राशन मिलता है गाँव में। तो ये देखिए दोस्तों, इसको क्या क्या मिला है, ये सोयाबीन का तेल है, दरिया है ये शायद। और यहाँ पर अदिति देखिए दाल लेकर उड़ रही है एकदम, कि हमको दाल मिल गया, ये काफी ज्यादा खुश हो गई है, ये लोग ले जा रहे हैं रखने के लिए।
एक हम लेकर चलते हैं। और दोस्तों अभी शाम हो चुका है और ये देखिए हमने ये वाला शर्ट भी चेंज कर दिया है। और दोस्तों हमारे घर से लगभग 5 किलोमीटर के दूर जाने पर एक बहुत ही बड़ा बाजार लगता है, तो अभी वहीं पर जा रहे हैं दोस्तों सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, बाजार करने के लिए। और बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रहा है क्योंकि दोस्तों अपना न्यू बाइक से पहली बार हम बाजार करने जा रहे हैं। और दोस्तों छोटा भाई भी कह रहा था कि हम भी चलेंगे आपके साथ, मतलब थोड़ा हम भी घूम लेंगे। तो ठीक है दोस्तों अभी चल रहे हैं, अपना घर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, अपना न्यू बाइक से बाजार करने के लिए। इसके पहले दोस्तों कभी भी अपना न्यू बाइक से कहीं पर भी बाजार करने के लिए नहीं गए हैं, तो या तो साइकिल से जाते थे या तो किसी साधन से। तो ठीक है दोस्तों अभी चलिए बाजार चलते हैं और छोटा भाई को भी आज घुमा देंगे बाजार। तो ठीक है दोस्तों चलिए अभी चलते हैं सब्जी वगैरह खरीदने के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बाजार और ये देखिए ये रहा हमारे यहाँ का बाजार और सामने तो बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं और उधर दोस्तों देखिए बाजार वगैरह लगा है, दुकान वगैरह, और उधर भी दोस्तों बहुत सारा दुकान है। और ये देखिए दोस्तों हमने अपना न्यू बाइक को यहाँ पर खड़ा कर दिया है और ठीक है दोस्तों अभी चल रहे हैं सामान वगैरह सब्जियां वगैरह लेते हैं। और टमाटर पूछे ले कैसे है ना, पूछे ले टमाटर कैसे है। और दोस्तों बाजार में एकदम खचाखच भीड़ भरा हुआ है, ये देखिए चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। और अभी दोस्तों हम यहाँ पर एक सब्जी ले रहे हैं, ये है अरवी, कैसे है भैया? 40 रुपया डेढ़ ले, 3 पाव। तो दोस्तों अभी देखिए अरवी ले लिए हैं, 3 पाव अरवी ले लिए हैं। और अभी हमको कटहल लेना है, लगभग कितना लेना है, 1 केजी, 1 केजी कटहल भी लेना है दोस्तों। एकदम बढ़िया बना रहे बना रहे हैं मैंने तुम्हारे ना, जी जी यूट्यूब चैनल वो लोग बनाते हैं। हाँ एक बगल में 4-5 भैया सर पहचान रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा, गदगद हो गया। अच्छा अच्छा भैया क्या करो भैया, ब्लॉग बोलो वीडियो बनाते हैं चाचा, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ये देखिए भैया बोल रहे थे कि आओ चलो घूमते थोड़ा बाजार, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और सर लोग के सामने देखो साथ में घूम रहे, तो बहुत ज्यादा खुशी मिल रहा है। पहले तो हम डरते थे दोस्तों, मतलब उनके सर के सामने जाने में डर लग रहा था, लेकिन अभी देखिए आप सभी के प्यार और सपोर्ट से इतना लायक बन गए हैं। देखिए सर कहें चलो घूमते हैं थोड़ा बाजार में अपने यहाँ के, तो बहुत ज्यादा खुशी मिला, सच में एकदम दिल खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है तो आप घूमिए, हम भी थोड़े सामान वहाँ ले लेते हैं, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, बहुत खुशी हुआ ना। ठीक है चलिए, बहुत ज्यादा अच्छा लगा दोस्तों, कसम से मजा आ गया। तो कैसा लगा? डर लग रहा था। हमको भी डर लग रहा था यार, हमको भी डर लग रहा था अंदर से, हम तो सर के सामने पूरा बोल दिए, सर हमको देखिए डर लग रहा है, होगा तो कुछ नहीं, लेकिन मन के अंदर एक बेचैनी है, डर लग रहा है, वही बोल दिया सर के सामने। दोस्तों यहाँ पर देखिए कटहल मिल रहा है 1 किलो, भैया कैसे है? 10 रुपये पीस है, कोई भी नहीं। अच्छा 10 रुपये पीस है। तो दोस्तों हम लोगों को ये देखिए ये कटहल और अरवी लेना था जो कि ले चुके हैं। और अभी दोस्तों हम लोग घर निकल रहे हैं और आज तो एकदम दिन बन गया, मजा आ गया। तो ठीक है दोस्तों अभी हम लोग घर निकल रहे हैं, अभी बाइक के पास आ चुके हैं। तो दोस्तों अभी घर पहुंच चुके हैं और ये देखिए यहाँ पर बाइक को भी खड़ा कर दिए हैं, इधर अपना अरवी और ये रहा कटहल, रख दिए दोस्तों। और दोस्तों अभी ये देखिए पोपट हो गया, हम लोग लाए थे कच्चा कटहल और ये निकल गया पका हुआ कटहल। और ये लोग अभी देखिए कटहल को खा रहे हैं, एकदम मीठा लग रहा है ना सलोनी? हाँ बहुत मीठा है। ये देखिए आकृति पूरा मुंह इसमें घुसेड़ घुसेड़ के खा रही है, आकृति बढ़िया लग रहा है। इधर अम्मा खाना परोस रही है, आज खाने वाले हैं हम सब्जी अरवी का, और ये रहा भात, और ये रोटी है नम्मा, हाँ, ये पॉलिथीन में रोटी है, और उधर देखिए प्याज भी कटा हुआ है। ठीक है दोस्तों अभी खाना पीना कर लेते हैं, रोटी सब्जी और ये देखिए भात और प्याज। तो दोस्तों अभी खाना पीना कर चुके हैं
और जैसे ही दोस्तों हमारे पीछे पुलिस आई ना, हम तो एकदम पूरा डर गए थे। और पहली बार दोस्तों पुलिस के चक्कर में पड़े थे हम, मतलब पुलिस सर से पहली बार बात हुई थी और हम कभी सोचे भी नहीं थे कि पुलिस सर से हम बात करेंगे और हमको पहचान जाएंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इज्जत भी मिल जाएगा। तो मतलब अलग ही खुशी मिला। ये सब दोस्तों बस आप सबकी कृपा है जो आज पुलिस सर हमको पहचान पाए, वरना तो हमको पहचानने की तो दूर की बात, हम पुलिस सर के सामने खड़े भी नहीं हो पाते। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। और हम लोग तो बहुत डरते हैं दोस्तों पुलिस से, गांव में सब लोग डरते हैं, बुरे नहीं हैं वो, मतलब लेकिन डर लगता है गांव में, मतलब समझ सकते हैं आप लोग। तो बस दोस्तों आज के इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चलिए दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।